अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी। सो आज का मेरा जो प्लान है, वैसे मैं अपना नाम बताना भूल गई लेकिन आपको सबको पता तो है। तो आज का मेरा जो प्लान है कि मैं सरप्राइज देने वाली हूँ अपनी दोनों बहनों को, क्योंकि अभी ये लोग ना दोनों छोटी बहनें, बिल्कुल छोटी छोटी जो मेरी बहनें हैं, राबिया है और ज़ैनब है, तो इन दोनों को सरप्राइज मुझे ये देना है कि दोनों को मैं आज लेके जाऊँगी घुमाने के लिए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मुझे कह रही है हमने झूले लेने हैं, हमें लेके जाओ। तो मैंने सोचा कि आज मैं ना इनको कहीं ले जाती हूँ, तो इनको भी नहीं पता। अब जाके मैं रूम में इनका रिएक्शन नोट करूँगी कि इनको मैंने कहना कि राबिया और ज़ैनब तुम दोनों हो जाओ तैयार, और देखते हैं कि इनकी क्या एक्साइटमेंट लेवल होती है। चले आप भी मेरे साथ। सर्दियों की शाम हो, मैं क्या बदतमीजी थी मानो ने सुना अब ये कहेगी इतने नहीं सुना, इसने भी सुन लिया है, बड़ी चिल्ला। चलो उठ के अब दोनों तैयार हो जाओ, एक्टिंग ना करो ज्यादा, बदतमीज है। तुम लोगों को मेरी आवाज बदतमीज है, तुम लोग वैसे मैं इतनी ऊंची बोल रही हूँ, बंदे का हर किसी का आवाज आ जाती है ना भाई। मैंने क्या कहा था? आपने कहा था कि छोटी बहन कब से गई थी झूले लेने, तो हमने कहा चलो इसको लेके चलते हैं, हाँ। कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। तुमने शॉपिंग भी करनी है? अपने पैसे तुम पकड़ लेना, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। चलो मैं अपना कार्ड ले लेती हूं। ओह माय गॉड, मुझे शॉपिंग नहीं करनी है, बस झूले लेने, बस झूले लेने। चलो उठ जाओ शाबाश मेरी मानो, जल्दी से टाइम नहीं है। ओके हम लोग रेडी होते हैं, देखा कैसे मैं जल्दी रेडी होती हूं। देखा अब तो इनकी तहलकियां चेक करो, और अच्छा इसीलिए अलमारी भी पहले ही खुली हुई है। ये देखो, यू गोना वेयर दिस वन। ये क्या, ये समझा ना, भी मेरा है ये, नहीं प्रोफाइल में वही लग चुका हुआ है, सोच लो तुम पहले। कोई बात नहीं, प्रोफाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता बहन, चारा इसी चीज का नाम होता है। ओके ठंड होगी और मैं, और हाँ ठंड होगी इसलिए पैक होके जाना, मैं खुद जा रही हूँ तैयार होने के लिए। मुझे भी समझ नहीं आ रही मैंने क्या पहनना है, मुझे बस पहन लूंगी मैं। ये हो गई जी मेरी लग रही है मुझे कबर्ड लग रही है, बंद करो शाबाश मेरी बेटी। चलें जी, ये होगी जी मेरी जैकेट, कैसी अच्छी लगी, ब्राउन की बहुत ही बुरी। ओके आप भी, आप क्या कर रही हो? मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। किससे? विंटर ग्लो सीरम से, जो कि मेकअप से पहले लगाना चाहिए। कहाँ पे दिखाओ मुझे भी, तो मैं भी लगाती हूँ। ये लो, ये कौन सा है? ये चिल्तन प्योर का विंटर ग्लो, ये लो पकड़ो हाथ करो। अच्छा, दो इसको लगा लो फेस पे, मेकअप से पहले अप्लाई करते हैं। थैंक्स यार, मतलब इसकी सबसे अच्छी। ये आपने यूज किया हुआ पहले? मैं यूज करती हूँ मेकअप से पहले, इससे मेरा मेकअप जो है ना वो इधर से उधर, उधर से इधर नहीं होता। और इसका नाम भी है, अच्छा बहुत चलाक हो, विंटर ग्लो है इसका नाम, तो ये मतलब सर्दियों के लिए तो बहुत ही आला है। और एक से दो ड्रॉप्स लगते हैं और स्किन भी ब्राइट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। मैं उसके ऊपर बेस लगा लूंगी। चलो सही है, इसको बोल दो। मैंने ब्रेड बनानी है, ब्रेड्स बना वो भी राबिया से, राबिया नहीं मैं नहीं। मैंने 6 बजे जाना होता है, मुझे 5 बजे उठा के अपना हेयर स्टाइल बनवाती है, मैं बोलूं तो मुझे फिर गुस्सा आएगा। सो फाइनली मैं भी रेडी हो गई हूँ, एंड ये भी जो भी है लड़की रेडी हो चुकी है और पानी पी रही है। ये भी जो भी लड़की है, आपको बताऊं कि मैंने इसके पीछे कितनी मेहनत की है, इसके पीछे कितनी, इसके कितनी? पीछे ना मुझे वो धुंधे ही ना जैसे बर्तन लगाते हैं, धुंधे ही धुंधे ही ना, ठीक है। तो हाँ, वो भी मैंने इतनी मुश्किल से ऐसे चपक चपक की है, और अब मैं पैक हो गया हूँ, मुझे सर्दी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। सो वी आर रेडी, सर पे तो लगेगी, मैं तो सर से भी पैक हो गई हूँ। ये मानो मेरे अलमारी पे अटैक करते हुए, मैं मेरा चाकू चल चुका है, जल्दी आओ। अब आप लोग देखिए मेरे हाथ से कमाल में कितने अच्छे हेयर स्टाइल्स बनाती हूँ। इक्वल बनाना है, देखो तुम बनाना क्या सामने बना रही हो, तो इक्वल बनाना। अब मैं आप सबको बताती हूँ, दो मुझे बहुत ज्यादा लूज होता है, टू ब्रेड्स मैं दो जो चुटिया होती है वो किस तरह से बनाती है। चलो जी सेंटर से मांग, इधर देखो ना, रुक जाओगे, ये हर लड़की का मसला होता है कि उसकी मांग ही निकलती, ठीक है, मांग में सिंदूर, उसने कौन सा सिंदूर लगाना, वही तो ये सिंदूर वाले। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं एक साइड की बनाऊंगी तो आप लोग फिर दूसरी साइड की खुद ही इमेजिन कर लीजिएगा कि कैसे बनती है। सपोज फिजिक्स का न्यूमेरिकल जैसे हम सपोज करते हैं ना, एक समझा देती है टीचर दी जाकर पहला न्यूमेरिकल समझा देगी जो सबसे इजी होगा, बाकी सारी मुश्किलें करके घर से करके लाओ, है ना। ये बहुत दफा हुआ, मैं तुम्हारी टीचर को भेजूंगी, मेरी मिस भी देखती है। ओह माय, फिजिक्स की मिस, रबे मांग सीधा नहीं है सुने। चलो तुम लोग ये अपने पंगे करो, जब बना लोगी फिर मुझे दिखाना। ये चुटिया तो देख लो, ये देख लो, अच्छा ऑन है मेरी बेटी, कैमरा ऑन है, ये इधर लो को दिखाना तो। अच्छा इसके ऊपर खड़े होना पड़ता है, ठीक है, और बिल्कुल यूं ये देखे चुटिया देखेगा, एक मिनट देख ले,
तीन हमने करे ऐसे करके और इनको तीन, मतलब ऐसी अगर सैलून वाली हो ना तो यकीन करे ये दो रुपए भी ना कोई नहीं। बहुत सारे लड़के आएंगे अपना हेयर स्टाइल बनवाने। कौन लड़के? मेरा लड़के लड़कियों दोनों के लिए, मैं दोनों के बना देती हूँ। बढ़िया बदतमीज है। फिर तो लड़के देखा लाइने लगेंगी, उन्हें राबिया से उनको दो थप्पड़ फ्री। कसम से सबसे ज्यादा मुश्किल काम सिर्फ हेयर स्टाइल बनाना होता है, और मैं देखें कितनी अच्छी जुगाड़ू हूँ। मैंने सुकून से पोनी बनाई है, जैसे अम्मियाँ नहीं बनाती थी छतरी पोनी बचपन में हमें स्कूल जाते वक्त में। अगर आपको कभी अपनी बचपन की पिक्चर आपको दिखाऊं ना, तो उसमें भी मेरी मम्मा ने मुझे यहाँ पे एक छतरी पोनी बनाई हुई थी, और वो मुझे लगता है कि 90s के बच्चों का स्पेशल हेयर स्टाइल होता था छतरी पोनी। ओके, तो मैं भी आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अपने बैग में रखी है कुछ चीजें। व्हाट्स इन माय बैग हम चैलेंज करना चाहते हैं। दिस इज बबल, ऑल टाइम फेवरेट। मुझे भी दो। हालांकि मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी रखती हूँ। फिर वही बबल मांगनी है इसने। यार मेरी एक्सपेंसिव बबल। कैमरा खुला है, दे दो। आगे पीछे नहीं देखेंगे तो कहेंगे व्हाट इज दिस। कितनी बुरी हो अगर तुम मुझे यही दे देती तो मेरा नहीं नहीं अभी कहाँ जाती हो तो आप ही वाली। In 400 meters, continue onto Lahore Ring Road L20. अच्छा जी, तो हम यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे इनको दिलवाने हम लोगों ने झूले। सो मास्क अपने अपने पहन लिए जाए ताकि हम लोग अपनी निश्चितों पे पहुँचे ना। हाँ पता नहीं क्या चले आ जाए। चलो बच्चों आ जाओ, शाबाश। ये दोनों देखें अपनी महबूब जगह पे आ गई। इन्होंने तंग किया हुआ था। अच्छा नहीं लग रहा। लग रही है। अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। क्यों? क्योंकि बहुत क्राउड है। हाँ। पीछे ये देखो जरा। राबिया और जैनब जो है वो डोलियों में बैठते हुए, वैसे तो इनको डोलियां मिलनी नहीं है, ये वाली डोलियां। चलो बैठो अब ध्यान से जाके। इतने क्राउड में आ तो गई है, अब देखे इनके साथ बनता के। बैठो ध्यान से। सो हम इस वक्त पंगुड़े की डोली में बैठ चुके हैं, और मेरी बहनें जो हैं वो दोनों मॉन्कीज लग रही हैं इस वक्त, दोनों की दोनों ही। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा। लेकिन नहीं, मैं आपको ना लाइट चला के दिखाती हूँ। ये देखें हमें ऊपर से दुनिया बिल्कुल गोल नज़र आ रही है। दुनिया गोल है, ये दुनिया फानी है। अच्छा फानी है, और तुम्हें पीना अभी पानी है। तो ये राबिया जो है वो आ गई है इस वक्त इस वाले झूले में, और यहाँ पे हम लोग बैठेंगे, और मैं अपने झूले की तलाश में हूँ, मेरी बारी कहाँ से आती है। मानो सही हो दोनों, गुड गर्ल्स, चलो एंजॉय करो। अच्छा राबिया जैनब की अशद ख्वाहिश पे ये वाला झूला जो है ना, ये चाह रही है लेना। अब इसमें देखना लोगों की चीखों की आवाज आएगी, और ये भी चाह रही है ऐसे की। ये देखें जी मेरी बहनें जो है ना वो इधर बैठ गई हैं। अल्लाह मालिक है हम सबका, दुआ करिएगा बच के वापस आए बड़ी मुश्किल से। राबिया उस साइड पे बैठी हुई है। हाँ जी, मौत की बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। बहुत डर लगा हमें ऐसे ऊपर नीचे, उफ अल्लाह बहुत डर लगा। ये झूला लेने की फरमाइश है जो कि उड़न छू हो रहा है, ये देखें। उड़ी उड़ी हम तीनों कैसे लेंगे, आप भी हमें बिठाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पीछे यहाँ लाइन ही नहीं है, कोई भी नहीं है। और हम तीनों क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों लेंगे ना आराम से। बैठो 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 दोबारा लेना चाहूंगी। ये बेबे जो
हाँ जी, हमें मिला एक बदमानस। राबिया का बहुत दिल चाह रहा है लोगों से पंगे लेने का, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। बेटा बदमानस तुझे देख के भाग गया, गोरिल्ला तुझे देख के भाग गया। मुझे डरना चाहिए, वो डर है। वाह। अच्छा जी, अब हम लोगों ने लेना है ये वाला झूला। इसे कहते हैं बच्चों का है, स्कूल ट्रिप पर हमारा आया हुआ है, हमारी बारी नहीं आई। और यहाँ पे हमें तीन यहाँ पे झूले हो चुके हैं और हम अभी तक यहीं खड़े हैं, मतलब फंस गए हैं। ज़ैनब, एक तुम्हारे साथ काम है मुझे। वो देखो, वो जो झूला है ना, वो जो उल्टा होके नीचे, इसको डिस्कवरी बोलते हैं। ये ले लो, जो कहोगी लेके दूंगी। मेरी एक दोस्त ओके तैयार हो, चलो डन। सुन लो ना, मेरी दोस्त ने बताया था कि एक दफा वो बैठी थी तो उसकी बेल्ट खुल गई थी, वो लटक गई थी और गिर गई थी। गिर गई थी, फिर उसने चीखे मारी, गिरी नहीं थी, मैं पकड़ के रखा था, फिर चीखे मारी तो फिर उसको अब झूला रुका, फिर वो बची। वो देख रहे हैं आप, सिर्फ झूले की नोयत चेक करें, झूला किसी के पाप का भी लिहाज नहीं करेगा। और ये क्या चीजें हैं दोनों, हम तो फिर गॉड, सबसे मुश्किल काम है ये, रुक जाता है। ज़ैनब अभी भी, आर यू रेडी फॉर दिस स्टंट? खाना पीना कुछ भी नहीं है, बस मुझे मजा करना है तो ठीक है। खाना जिंदा नहीं रह सकता इंसान, खाना सबसे जरूरी। नहीं नहीं, वो कह रही है कि जो जोरों जोर से बनी हुई है, और इसीलिए क्योंकि इन्होंने अभी यहाँ पे ना थोड़ी देर पहले पता क्या हुआ, यहाँ पे हुई है, समझ गए अब आप लोग, तो ये इन दोनों की शक्लें इसलिए बनी हुई है। ये लड़की, आर यू रेडी? मैं हमेशा भूल जाती हूँ, इसका ना दांत दर्द करता है। और ये लड़की जो आई भी तैयार है, मगर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आफ्टर इफेक्ट्स इसके दिमाग पे क्या होते हैं, ठीक है? उल्टे जुगाड़ खुली नहीं रही है यार, ये ना इसको चिप लगी हुई होती है, सो नहीं ये देखो। वैसे भी बार इन्होंने कहा देखा, नेक्स्ट टाइम किसी इन लोगों ने अब खानी है जी फ्राइज, ठीक है? तो वो जो होती है लोकल फूड, इंसान का लव, जो हमारे पाकिस्तानियों का, मुझे लगता है कि जहाँ पे भी हम जाए तो बन रहा होता है और बड़ा मजेदार होता है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमारी चटनी बन रही है। ओ माय गॉड, देखो भाई गर्मा गर्म। अच्छा मेरी एक आदत बताऊँ, मेरी एक आदत बताऊँ, ऐसे पकड़ के खा लेती हूँ, देख तो लो ऐसे पकड़ के खा लेती हूँ। बुकिंग मेरा डिब्बा मजे का, मुझे पुराने दिन याद आ रहा है। कितनी को पुरानी हो तुम दुनिया में? हाँ क्या इसी मेरा दिमाग खा रही है। मैम प्लीज, मैम का बैग पकड़ा जाए। मैम प्लीज, हाजिर मेरे सर पर। इधर देखें इस मैम की तो हालत ही देखें ना, ये मैम ने बहुत झूले लेने थे, मैम को दुनिया को जो दिया है ना वो वापस आ रहे हैं मानो। चल मेरा बेटा, शाबाश, आजा खाने खाने चले, और लेने झूले, दो चार और ड्रैगन्स पे बैठ जा। मानो इस वक्त, मानो तेरे साथ हमेशा प्रैंक ही होता है यार। उल्टी आ रही है, पता नहीं।
मेहमानों कहानी और इन लोगों ने खाने हैं भी पैरी पैरी बाइट्स, तो अब मैं इनको लेकर आई हूँ पैरी पैरी बाइट्स खिलाने के लिए। और मानो के बस चक्कर ठीक हो जाए, मानो का जब तबीयत खराब होती है ना तो मानो का मुंह यूं हो जाता है एज यू कैन सी। ठीक है, तो मैं और मानो अब जा रहे हैं, तो अब हम वहाँ पे खाएंगे खाना खाना मजेदार सा। भाई मानो को हमने बिठा दिया इस जगह पे और राबिया जो है वो अपने फोन में, ये क्या बताया हुआ है, इट्स अ स्टाइल लाइक यू नो ये रियल शेल्स है, मैं इसको आपकी कहानी बता सकती हूँ, ये शेल्स हैं और जल्दी फोन चेंज होने वाला है ये जलन हमारे घर में सबके फोन चेंज हो गए हैं। और ये जलन की जो दुकान है ना, इसकी भरपूर मेरे बाल देखा झूले उड़ गए सारे बाल मेरे यहाँ से भी। ये देखें इन्होंने खानी भी यही होती है और अब मुंह से कर रही हैं जी, जी बहुत स्पाइसी है, बहुत स्पाइसी है, मेरा मुंह जल गया, मुझे तो नहीं लगी पहली बार, बस इनका खाना शाना शुरू हो गया है। इसमें तो कॉम्पिटिशन होना चाहिए। 1 2 3 गाइस आप लोग कमेंट में बताएंगे पेरी पेरी बाइट्स किसको पसंद है, मतलब हम लोग तो कभी इनकार ही नहीं करते हैं, ये ऐसी चीज है। ओके फाइनली अब खा पी कर फ्री हो गए हैं, ठीक है, और अब घर जा रहे हैं। मेरी हालत बुरी हो चुकी है इस टाइम पे, ये पहले पैक करवाया हमने क्योंकि वो बड़ा मसरूफ बच्ची है, वो हमारे साथ डे आउट पे नहीं जा सकती थी। अल्लाह चलो बाय यार, और हम घर जाके हम रेस्ट करेंगे, बहुत घर जाके रेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगले ब्लॉग में आप लोग से मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी, बाय बाय, लव यू, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा और प्यार करना मत भूलिएगा, लव यू।